चंडीगढ़ के सेक्टर थारा थाना पुलिस ने 7 मामलों में वंचित चल रहे आरोपी को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान मुल्लापुर निवासी शिवचरण उर्फ सिब्बी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को शनिवार को जिला अदालत में पेश किया, जहां से पुलिस ने एक दिन का रिमांड हासिल किया है। आरोपी पर लॉरेंस ग्रुप ने सेक्टर 27 में बीते 2014 में गोली भी चलाई थी। वहीं सेक्टर 31 थाना में दर्ज एक में आरोपी भगोड़ा भी घोषित हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि अभी हाल ही में सेक्टर 56 में एक युवक पर तेज धार हथियार से हमला किया गया। जिस मामले में सेक्टर 36 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी तलाश शुरू कर दी थी। सेक्टर 17 थाना पुलिस ने उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया। जानकारी अनुसार सेक्टर 17 थाना प्रभारी राम रतन शर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई, जो सेक्टर 23 में नाका लगाए हुए थे। उसे बेच आरोपी पैदल ही नाके की तरफ आ रहा था। जैसे ही पुलिस टीम को देखा तो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। शक होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर तलाशी ली तो आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 2 चाकू समेत अन्य सामान बरामद हुए। पुलिस के प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी कट्टे के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने लगा था। वह अपने मकसद में कामयाब होता कि उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। देखें इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस के DSP चरणजीत सिंह ने क्या कहा। सर, आज एक मामला सामने आया, किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्या मामला और किसकी गिरफ्तारी हुई है? ये आज सुबह अर्ली आवर में हमारे सेक्टर 17 की पुलिस ने एक सेक्टर 23 नाले के पास नाका लगा के SHO रामरतन इंस्पेक्टर की सुपरविजन में एक मेजर सक्सेस हासिल करी है। नाके के दौरान सुबह कुछ 2 बजे के करीब एक लड़का, जो बाद में जिसका नाम शिवचरण सिब्बी पता चला है, वो आता हुआ दिखाई दिया। तो ये देख के पुलिस नाके को पीछे मुड़ गया। जब उसको चेक किया तो उसने पीछे जो पिट्ठू पहना हुआ था तो उसको चेक किया गया तो उसमें एक देसी कट्टा जो इसके पास से मिला, जिसके ऊपर मेड इन USA लिखा हुआ है, और इसके 4 जिंदा कारतूस मिले इसके पास से, और 2 इसके पास से चाकू मिले, और भी कोई आइटमें मिली है इसके पास से, तो जिसका कोई भी ये लाइसेंस परमिट नहीं दिखा सका। और आर्म एक्ट के तहत इसके खिलाफ 17 थाने पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च करी गई है। आगे की जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये शिव कुमार सिब्बी जो है, ये पहले सेक्टर 27 में इसका फादर यहाँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी करते थे, वहाँ सरकारी मकान में रहते थे, और जब वो रिटायर हो गया बाद में ये मस्तगढ़ गांव है मुल्लापुर के पास, वहाँ रहते थे। और इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई है, ये चंडीगढ़ के अलग अलग थानों में 3 जगह पे 307 अटैम्प्ट टू मर्डर के केसों में इन्वॉल्व है। एक केस जो कत्ती थाने का, उसमें ये POB चल रहा है, और बाकी केसों में ये बेल पे था। तो अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अभी इसके और कौन कौन साथी हैं, कहाँ से असला लेके आता था, ये चीज़ें अभी वेरीफाई कर रही हैं। अभी इनिशियल स्टेज पे केस चल रहे हैं, बाकी की आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। इसके बारे में आप कितने गैंगस्टर से संबंध है इसके? ये पता चला कि जब ये सेक्टर 27 में रहता था तो इसके ऊपर फायरिंग हुई थी, वो किसी गैंग मेंबर ने अपोजिशन के जिसके खिलाफ इसकी रैली थी, वो भी हम पता कर रहे हैं कि कौन से गैंग ने इसके ऊपर फायरिंग की। ये किस गैंग से संबंध है? ये अभी सारी चीज़ें हम चेक कर रहे हैं, अभी उसके बारे में कुछ नहीं, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे अभी उसमें डीपली इन्वेस्टिगेशन नहीं है, वो सारा चेक करके आपको बात करता है। नहीं, ये अकेला ही पकड़ा गया पैदल आता, बाकी इसके जो एसोसिएट्स हैं वो भी पता लगा रहे हैं और कौन कौन इसके साथ है। हाँ, एक 435 का किसी पुरुष गाड़ी को इसने आग लगाई थी चंडीगढ़ के ही एरिया में, वो भी FIR लॉन्च है, और भी 6 पर्चे इसके ऊपर हैं। और ये जो 17 थाने में ये FIR लॉन्च करी है, ये सातवीं FIR है इसके ऊपर, और सारा इसका पेमेंट कौन और भी देख रहे हैं, कहीं दूसरी स्टेटों में भी है या चंडीगढ़ में इसके खिलाफ पर्चे हैं।
चेक करके बाद में सारा डिटेल बता देंगे। सर पेश कर दिया कोई रिपोर्ट वगैरह? अभी हमारी टीम पेश करने गई है, जैसे कितने दिन का रिमांड मिलता बता देंगे।